गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात्म कृष्ण नारायण 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 नारायण। 14 फरवरी आनंद रत्नाकर का आज का पृष्ठ है हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। पिछले 2 दिनों से भागवत विमर्श में कथाओं के माध्यम से महर्षि ने बताया कि भगवान के भजन की रीति क्या है, और कल बताया कि भौतिकता में ही सब कुछ नहीं। तो प्रश्न उठेगा कि परमार्थ में अध्यात्म में क्या है। तो अध्यात्म में आज के पृष्ठ में विशेषता बता रहे हैं कि हमारे जो भगवान हैं उनका भंडार भरा पड़ा है। ये पृष्ठ माधुर्य कादंबिनी संस्कृत में छोटा सा ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती का। विश्वनाथ चक्रवर्ती आज से कई वर्षों पूर्व, संभवतः 300-400 वर्ष या उससे भी ज़्यादा, 500 वर्ष के आसपास, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में एक बहुत ही गजब के भक्त हुए और बड़े विद्वान थे। इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की और श्रीमद् भागवत महापुराण पर सारार्थ दर्शिनी टीका भी लिखी, जो कि बड़ी प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच में। हमारे स्वामी गिरीशानंद जी ने वो जो भागवत का प्रवचन आश्रम में करते थे, जैसे हम करते हैं आजकल, तो भागवत के अध्यायों पर क्रमशः बोलते थे प्रतिदिन। और जो वैष्णव टीकाएँ देखते थे उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती के जो भाव थे उनको विशेष रूप से को बहुत पसंद था। आज भी उन्हीं भावों को लेकर वे उनकी कथा में जो माधुर्य है, इन्होंने माधुर्य कादंबिनी एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने, और उसमें जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि भक्ति की साधना जो करते हैं उनको इसका मनोविज्ञान, यानी इसमें कैसे कैसे जब व्यक्ति चलता है भक्ति के मार्ग में तो क्या क्या सोपान, क्या क्या उसको अनुभव आते हैं, तो उसी ग्रंथ में मानो अमृत की वृष्टि हो रही है। वो जब चल रहा है अपनी साधना में तो जीवन में अनुभव कर रहा है कि कोई किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो उस अमृत की वृष्टि के ही प्रथम वृष्टि, द्वितीय वृष्टि, ऐसे करके 8 तक गिनाई है, क्रम गिनाया है। और सर्वप्रथम श्रद्धा को लेकर है और उसके बाद उत्साह। तो आज के पृष्ठ को हम लोग पढ़ेंगे, इसके पूर्व ये जो मेरे परम पूज्य महाराज जी ने जो इस मूल ग्रंथ पे, संस्कृत के ग्रंथ उनका उनके सामने था, संस्कृत की पंक्तियाँ पढ़ते जाते थे और उस पे धारावाहिक प्रवचन, बहुत ही ये प्रवचन सुनने लायक है महाराज जी का माधुर्य कादंबिनी पे, तो उपलब्ध है। तो प्रथम दृष्टि में श्रद्धा पर ही महर्षि ने जो प्रकाश डाला, क्योंकि श्रद्धा हम बार बार कहते तो हैं कि श्रद्धा आवश्यक है, हृदय में आती है श्रद्धा। श्रद्धा भक्ति शास्त्र पर विश्वास, जो शास्त्र का तात्पर्य है उसमें दृढ़ आस्था ही श्रद्धा है।
श्रद्धा परोक्ष पर करनी पड़ती है। तो इसका दृष्टांत देते हैं, परोक्ष का मतलब जो हमारे सामने नहीं है। तो जैसे स्वर्ग है, स्वर्ग नरक या वैकुंठ या जितने साकोहित या परमेश्वर हमारे सामने नहीं है, पर बताते हैं संत और शास्त्र। तो जब तक हमको उसका अनुभव नहीं होता, श्रद्धा परोक्ष पर करनी पड़ती है, प्रत्यक्ष पर नहीं। हमारे सामने कमल बैठे हैं तो हमको श्रद्धा थोड़ी करनी पड़ेगी। पर हाँ, आगे क्या बता रहे हैं ये तो आप जानते ही हैं कि हम देखते हैं मनुष्य को, और कोई कहे कि बहुत बड़े महात्मा हैं, अब कल से ही महात्मा लोग आज से ही बल्कि आना शुरू हो जाएंगे, तो हम देखते तो मनुष्य को है ना, पर मानना पड़ता है उसको महात्मा। महात्मापन नहीं दिखता है, दिखता है मनुष्यपन। दिखता तो आदमी है, हाथ पांव वाला है ना, जैसे हम हैं वैसे ही। मनुष्य तो हमको इंद्रियों से दिख रहा है, प्रत्यक्ष से जाना जाता है, पर महात्मा जो है वो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं है। तो वो कैसे है, उसको हम फिर कैसे महात्मा मानने लगते हैं? वो श्रद्धा से। श्रद्धा का संस्कार न हो हृदय में तो किसी को महात्मा मान ही नहीं सकते। अब एक विशेष बात श्रद्धा के बारे में बता रहे हैं, जो मैं बताना आवश्यक समझता हूँ आज के पृष्ठ में प्रवेश करने के पहले। श्रद्धा कमजोर आदमी करेगा कि बलवान करेगा? प्रश्न। जिसका दिल कमजोर होगा वह देखे हुए से ज्यादा मानने में डरेगा कि हम उसको मान बैठे हैं कि यह बड़ा है, कहीं हमारा नुकसान न कर दे। जिसके अंदर आत्मबल होगा वही श्रद्धा कर सकेगा। नुकसान उठाने की भी को भी तैयार हो, त्याग करने को भी तैयार हो, अपने विश्वास के बल पर अपने बाह्य पदार्थों का परित्याग और भोग राग छोड़ने को भी तैयार हो, वह श्रद्धा कर सकेगा। तो ये जितने यंत्र परायण जो महर्षि बताते हैं, मशीनरी दुनिया के लोग, तो इनके तो ये यंत्रों की खटखट सुनते सुनते जिनकी प्रत्येक नस दिमाग की घायल हो चुकी है, उनमें उतना सामर्थ्य नहीं है कि वे जो देखते हैं उससे ज़्यादा मान सके। श्रद्धा के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। तब आदमी की जिस पर श्रद्धा है, जिस परमात्मा पर, ईश्वर पर, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जो लोग केवल भोग ही में लगे हैं वे तो एक दृष्टांत देके इसको पूरा करते हैं। एक आदमी एक बार मंत्र ले गए कि हम भगवान के नाम का जप करेंगे, माला ली, फिर एक दिन दो दिन बाद आए और बोले, महाराज हम तो अब ये जप नहीं करेंगे। महाराज ने पूछा, क्यों? बोले कि हमारे साले साहब मंत्र जप के खिलाफ हैं, वे एमए पास हैं, विलायत हो आए हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, तुमको अपने साले की सलाह माननी है और अमेरिका के विज्ञान के अनुसार तुम्हें ईश्वर को प्राप्त करना है, तब तो तुम्हारे लिए ये मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही अलग हो गया ना। ये प्रथम अमृत पृष्ठ में श्रद्धा को बताकर आज का जो पृष्ठ है वो दूसरी अमृत पृष्ठ का है। दूसरी अमृत पृष्ठ में श्रद्धा के बाद प्रयत्न, उत्साह। तो उत्साह में महर्षि कह रहे हैं कि कई भूमिकाएं उत्साह की हैं, तो उन भूमिकाओं में हमको नहीं जाना है, पर जो प्रथम भूमिका उत्साह, छह भूमिकाएं हैं, तो प्रथम भूमिका जो है उसमें तो महर्षि अपना ही दृष्टांत देकर बताते हैं कि घर पर संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ते थे, हमारे पितामह पढ़ाते थे, और विद्यार्थी दिन भर में 5-10 श्लोक याद करते, महर्षि क्या करते, 30-30 श्लोक रोज याद करते। चित्त में वह उत्साह रहता, छलकते थे, यानी पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में, तो उछल उछल कर जाकर बताते, ये भी याद हो गया, अगला पढ़ाओ, ये भी याद हो गया, अगला पढ़ाओ। तो क्या उत्साह दिन भर रहता, गायत्री का जप करते, उसमें भी जितना बताया जाता उससे ज़्यादा करते। तो ये उत्साह जो है ये देखा जाता है,
इसके बाद आगे चल के दूसरी भूमिका जो है वो है घन तरला। कभी तो उत्साह काम दे रहा है और कभी नहीं, तो ये घन तरला स्थिति सबके सब में आती है, पर ठाकुर जी उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और ये जो तीसरी भूमिका है व्यूढ़ विकल्पा, तो इसी में आज का पृष्ठ है। व्यूढ़ विकल्पा क्या है? जब मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं, तो अब इसी को महर्षि कह रहे हैं कि भाई भजन करने हम निकल गए घर छोड़ के, है ना, तो हमारा फिर क्या होगा, हमें भोजन कहाँ से मिलेगा आदि आदि, ये जो बहुत सारे विकल्प आते हैं। तो इसी संबंध में ये तीसरे जो भूमिका है उत्साह की, इसमें महर्षि आज कुछ बताने जा रहे हैं। कहो भाई कि रोटी कहाँ मिलेगी? तो जब से अखबार ज़्यादा छपने लगे हैं तब से लोगों को इस बात का ख्याल लगा है कि शायद हम भूखे मर जाएंगे। महाराज कह रहे हैं, आज का पृष्ठ देखिए, जब अखबारों में ऐसा छपता था कि भूख से इतने मर गए, हमको क्षण भर के लिए भी इस बात पर विश्वास नहीं होता था। हम सोचते थे कि भगवान के राज्य में भगवान ने जिन प्राणियों को बनाया है वे क्या कभी भूखे मर सकते हैं? तो फिर क्या निर्णय क्या होता मन ही मन, वे जरूर आलसी होंगे, ऐसा हम सोचते थे। महर्षि यहाँ तक कहते थे कि भाई मर कैसे गया, उसको चल के वो हमारे पास पहुँच जाता, है ना, हम उसको खिलाते, वो जरूर आलसी रहा होगा, ऐसा हम सोचते थे। हालांकि अखबारों में आता था कि भूख से इतने मर गए। तो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो भक्ति का प्रसंग है ना, तो भक्त के ही चित्त में ये संकल्प विकल्प आते हैं कि भाई निकल तो जाएं, पर श्रद्धा में बताया ना आत्मबल की ज़रूरत है, तो बिना आत्मबल वाले के लिए ये थोड़ा कठिन होता है, पर फिर भी क्योंकि लगा हुआ है इसलिए अब जब उत्साह आया, उत्साह से कर रहा है अपना साधना, और उत्साह के बाद घंतरला स्थिति भी बताई महर्षि ने, उसको हमने विस्तार में नहीं किया है क्योंकि हमको आज के पृष्ठ में पहुंचना था। तो ये जो संकल्प विकल्प आते हैं उसमें महर्षि बता रहे हैं कि भक्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ देखता है कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। एक विशेष बात है, क्योंकि वो विश्वास से चल रहा है ना, तो विश्वास से चलता है जो भी भक्ति मार्ग में, शुरू में श्रद्धा से ही चलता है, तो श्रद्धा वाले को स्वयं ठाकुर जी उसको ये दिखाते हैं कि देखो डरो मत, भक्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ देखता है कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। आज भी वृंदावन के लिए कहते हैं कि कोई भूखा नहीं सोता। यहाँ जब ये विद्यार्थियों को बुलाया गया तो आई थी मोदी नगर की हमारे राजेंद्र जी की बेटी, अरे बोले वहाँ हम भंडारा करते हैं, इतने गरीब विद्यार्थी, यहाँ के तो सब विद्यार्थी मतलब भले सामान्य स्कूल के थे, पर वो बार बार कह रही थी कि इन लोगों को खिलाने से क्या फ़ायदा। ये वृंदावन की महिमा है, शर्मा जी ने समझाया उसको, है ना, कि भाई ये वृंदावन में जो पुण्य बनेगा, बोले कि पुण्य भले बने पर वो जो जिनको ज़रूरत है उनको खिलाना चाहिए, इनको खिलाने की क्या ज़रूरत है। तो खैर वो बच्चे आजकल के नई पीढ़ी है तो उनको बड़ा युक्तियों से समझाना पड़ता है, इसीलिए बोले ना यांत्रिक युग में खटखट करते करते ये सब नशे जो है ना, वो यंत्र से ही उनका संबंध है, जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, है ना, तो उसमें श्रद्धा नहीं होने के कारण अपनी बुद्धि को ही व्यक्ति, सिर्फ उस बच्चे के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हम सब लोग जितना यंत्र से हम लोग अपना संबंध रखेंगे तो हमारी भी स्थिति
उस बच्चे से कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। भक्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ देखता है, देखिए वृंदावन की महिमा, क्योंकि भक्त कहाँ आएगा, बम्बई में थोड़ी जाएगा, वहाँ तो कल बताया ना महाराज सिंह पुलिस में दे देंगे, है ना। अब वो बेचारा रिपोर्ट करने गया है ना, सच्ची बात कि हमारा इससे नुकसान हो गया, तो उसी को अंदर कर दिया। हमारे एक महात्मा गए थे, सच्ची घटना है, महाराज जी गए हुए थे बम्बई, तो यहाँ तो वृंदावन में तो सब प्रकार के महात्मा होते थे महाराज जी की कथा में, तो पहुँच गए वो बम्बई। अब बम्बई पहुँचे तो उनको तो ये पता नहीं है कि भाई यहाँ किसी के दरवाज़ा खटखटा के कि हमको भिक्षा दो, बड़े ऐसे गांव के रहे बेचारे, तो एक का दरवाज़ा खटखटा दिया तो देखा तो बाबा जी, सीधे पुलिस को फ़ोन किया और बाबा जी को अंदर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि भक्त तो जाएगा तो कोई तीर्थ स्थल में जाएगा, हरिद्वार जाएगा, ऋषिकेश जाएगा, वृंदावन जाएगा, अयोध्या जाएगा। तो भक्त जहाँ जहाँ जाता है आचार्य जी कल आए थे श्रवणानंद जी कुंभ से, दो कथाएं उनकी हुई, एक राम कथा एक भागवत कथा, अलग अलग पंडालों में, एक योगानंद जी के यहाँ और एक वो हंसदेवानंद जी हैं। तो बता रहे थे कि कुंभ में इतने भंडारे चल रहे हैं और लोग जो जा रहे हैं तो वहाँ भोजन तो कोई करता ही नहीं है, सब दक्षिणा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि भोजन एक एक, एक साधु जो है 10-10 जगह जाएगा तो खाएगा क्या, वो तो दक्षिणा के लिए जा रहा है। तो भक्त जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ देखता है कि हमारे भगवान का भंडार भरा पड़ा है। एक बार महर्षि अपनी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं घर से निकला, 5 आना पैसा था अपनी जेब में, पुरानी बात सुना रहे हैं। तब आना चलता था हमारे समय में, तो आना वगैरह ये सब हम लोग देख रखे हैं, 1 रुपये में 16 आने होते थे। तो 5 आना था अपनी जेब में, निकल गया। तो रात को जाकर जिनके यहाँ सोया वे परिचित थे, और समझो कि हम उस समय 18 वर्ष के हो गए होंगे। तब तक उनके साथ जो परिचित थे जिनके यहाँ सोए थे, तब तक उनके साथ कभी 1 पैसे का भी लेन देन का संबंध हो सो बात नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई महर्षि को पहले भी भेंट करते थे, भेंट पूजा करते थे, कभी नहीं, बस परिचित थे और महर्षि को आगे की यात्रा करनी थी तो वो जहाँ पड़ाव आया परिचित होने के कारण वहाँ विश्राम कर लिया रात का। सवेरे उठकर जाने लगे तो लाकर 20 रुपये हमको दिए, पहली बार। मैं कह रहे हैं ना कि कभी भी 1 पैसे का भी लेन देन का संबंध नहीं था, स्वाभाविक है। महर्षि ने पूछा क्यों, क्या बात है, यानी ये 20 रुपये आप क्यों दे रहे हो, देखो क्या कहते हैं। बोले भगवान ने हमको आज ऐसी प्रेरणा की है कि हम आपको 20 रुपये दें। अच्छा एक बात और बता रहे महर्षि, महर्षि यात्रा पे निकले थे ना, तो उनको मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। महर्षि ने जो संकल्प लिया था तो 5 आने में वो यात्रा बननी नहीं थी, है ना, था 5 आने ही जेब में। पर ये कहो कि भाई उनको पता लग गया था कि अब ये कहाँ जाएंगे, या बहुत से जो है महात्मा लोग, ये तो महर्षि तो गृहस्थ हैं और ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों का आदर करते ही हैं जो समाज में, पर समझो कि संकेत से बता भी देते हैं कि भाई आगे पैसों की तो जरूरत है, जेब में 5 आना ही है, तो बड़े चतुर भी होते हैं। महर्षि कहते हैं कि ये भी बात नहीं, हमने उनको कुछ बताया हो सो भी बात नहीं, उनको मालूम नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये देखिए, तो यानी ये भगवान का चमत्कार दिखा रहे हैं कि आगे की यात्रा के लिए भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी, 20 रुपया दे दिया। तो अब वो महर्षि को जहाँ जाना था मतलब यात्रा अभी लंबी है, तो वहाँ से हम आसनसोल गए। अब आसनसोल पहुँच गए, वो जो भी किराया वगैरह होगा तो
अब वो थोड़ी था, तो वहाँ एक ने हमको 58 रुपये दिया। तो जो लक्ष्य था वो क्या था, जगन्नाथपुरी, तो फिर जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस घटना से महाराज जी बता रहे हैं कि जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर का आश्रय लेकर वह व्यवस्था कर देता है। तो ये जो व्यूढ़ विकल्प वाली तीसरी भूमिका है, उत्साह से लग तो गए भजन में, घन तरला के बाद ये जो संकल्प विकल्प आते हैं तो उसमें भगवान ही ऐसे ऐसे अनुभव देते हैं जिससे फिर भक्त जो है उसका विश्वास जमता जाता है। ओंकारेश्वर के स्वामी रामानंद जी महाराज, उनको कुछ इस प्रकार की प्रेरणा हुई कि तीर्थ यात्रा करें, पर तीर्थ यात्रा करें तो कुछ अनुभव होने चाहिए ना। ऐसे मन में विचार करके और एक बहुत उच्च कोटि के संत के पास गए कि हमारा ऐसा संकल्प है और हम पैदल तीर्थ यात्रा करेंगे भारत में, हमको आप मार्ग निर्देशन दीजिए कि हमको किन नियमों का पालन करना चाहिए। ज़्यादा नहीं, उन्होंने दो ही नियम बताए। बोले एक तो अपने पास पैसा मत रखना और दूसरा जहाँ भी ठहरो वहाँ अपना परिचय मत देना कि हम कौन हैं, कौन से गुरु के शिष्य हैं, क्योंकि ये चाह रहे थे कि यात्रा में हमको ठाकुर जी की अनुभूति हो गई। तो बोले कि अगर ठाकुर जी की अनुभूति करनी है तो ये दो काम तुम करना। और कहते हैं ओंकारेश्वर के रामन जी, जिनको जिन्होंने गिरिशान जी को कहा था कि आप नर्मदा जी को भागवत सुनाइए, तो वो स्वयं कहते हैं कि वो हमने यात्रा जैसे वो महात्मा जी ने बताई वैसे ही की और बहुत सारे हम कर्म हो। तो ये जो संकल्प विकल्प है, यानी व्यक्ति जो डरता है उसके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती के उस ग्रंथ पे बोल रहे हैं तो साधन भजन करने वाले बैठे हैं वही सुन रहे हैं, तो उनको अपने अनुभवों से बता रहे हैं कि देखिए क्या है, जहाँ जहाँ जाते हैं ईश्वर का आश्रय लेकर ईश्वर व्यवस्था कर देता है। यह डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी, यह आत्मा की दुर्बलता है। एक संत थे तो वो चलते थे, पर जो भी उनके साथ चले उनका उन्होंने नियम बना रखा था, कोई भी नया भी व्यक्ति उनसे जुड़े कुछ रखना नहीं है। और जहाँ जहाँ जाते थे जैसे जैसे उनकी यात्रा होती थी, ठाकुर जी का मानो की सब व्यवस्था पहले से की हुई है। एक बार संत ने देखा कि उस दिन किसी ने कुछ पूछा ही नहीं, मंडली में थे 8-10 लोग, तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो पूछा कि भाई किसी ने कुछ रख रखा है क्या, तो उसमें जो एक नया व्यक्ति जुड़ा था, यद्यपि उसको नियम बता दिया था कि कुछ रखना नहीं है, पर अब जब पूछा गया तो वही बेचारा बोला कि हमने ये जो सोने की चेन हमारे पास थी वो जेब में रख रखी है। बोले फेंको इसको, उसको फेंकवाया। क्या कह रहे महाराज, डरना नहीं है ना कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी, बस जैसे ही फेंकवाया तैयार। ठाकुर जी को मानो किसी के रूप में पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, पर वो प्रतिबंध आ गया। तो इसलिए कृपात्री जी महाराज का मैं सुनाता हूँ ना, गांठ में बांधे नहीं मांगन में सकुचाए, पीछे पीछे हरि फिरे भूखो न रह जाए। तो इसलिए डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी। ये डर क्या है, ये आत्मा की दुर्बलता है। अब इस पृष्ठ के अंत में महर्षि एक अपना
और चक्र जी का जो साथ में थे यात्रा में, उनका बड़ा विलक्षण अनुभव सुना रहे। एक दिन की बात है, उसी समय की, मतलब जब हम आसनसोल गए थे और जगन्नाथपुरी गए थे, है ना, उसी समय के, यानी हम 18 साल के थे, एक दिन की बात है उसी समय की। तो उस यात्रा में अकेले थे महाराज जी, बाद में चक्र जी, तो उसी समय मतलब उसी वर्ष सुदर्शन सिंह चक्र और मैं दोनों साथ ही साथ थे। स्टेशन का नाम तो स्मरण नहीं है, कहीं झरिया की तरफ से संभवतः आ रहे थे। तो ये बिहार में पड़ता है झरिया, क्यों बिहार में झरिया? तो उधर कहीं महर्षि किसी ज्योतिर्लिंग है 12, तो कह रहे हैं कि जहाँ तक का किराया था वहाँ तक का टिकट ले लिया था। यानी इन दोनों महापुरुषों के पास सीमित जो है द्रव्य था, तो अब वो जितना द्रव्य था वो कि भाई इतने तक तो हम ट्रेन में यात्रा कर लेंगे, और उसके बाद जो है पैदल यात्रा करते ही थे पहले, तो जहाँ तक का किराया था वहाँ तक का टिकट ले लिया था। फिर आगे की जो यात्रा थी उसमें उस दिन महर्षि को चक्र जी को पूरे दिन चलना पड़ा, और चले भी काफ़ी कि भाई कोई ऐसे स्थान पे पहुंच जाए जहाँ मतलब विश्राम कर सकें और कुछ खाने पीने का, क्योंकि पैसा तो दोनों के पास था नहीं, पर कहीं ना कहीं कोई देखेंगे कि भाई ब्राह्मण है भूखे हैं। तो उसी प्रसंग में बोल रहे हैं ना कि डरना मत, डरना नहीं कि रोटी खाने को कैसे मिलेगी। देखिए सुनिए, जहाँ तक का किराया था वहाँ तक का टिकट ले लिया था। अब जब पहुँचे तो रात को 9 बजे का समय था, पूरे दिन यात्रा करके थक गए थे, स्टेशन पर उतर गए। तो स्टेशन पर मतलब यहाँ ये यात्रा के बाद, पैदल यात्रा के बाद जो स्टेशन था उतर गए, मतलब वो जहाँ उतरे थे किराए वाली स्टेशन जहाँ तक था, उसके बाद की पैदल यात्रा के बाद कोई एक गांव का स्टेशन था तो वहीं पर चले गए कि भाई प्लेटफार्म पे वहीं पे कोई होगा तो वहाँ से कुछ कर देगा। वहाँ एक साधु ने कहा भोजन करो, तो खा ले। अच्छा सॉरी, ये तो वहाँ हो गया जहाँ स्टेशन पर उतरे थे, उसके बाद पैदल यात्रा है तो खा लिया। हम उन दिनों सफ़ेद कपड़े में थे। उसके बाद सवेरे चले, दिन भर चलते रहे, 26-27 मील के करीब चले। ये जो मैं आगे की बात था, आगे की बात थी वो मैं गड़बड़ा गया वहाँ, क्योंकि वो सुना हुआ है हमारा इस पृष्ठ को, कल पढ़ा नहीं था हम, कल इसी को पुस्तक को ही पढ़ रहे थे माधुरी अकादमी को, तो वो ठीक है। मतलब पहले तो स्टेशन पर उतर गए, वहाँ भोजन भी कर लिया, अब जब था नहीं तो उसके बाद की जो यात्रा है, हम उन दिनों सफ़ेद कपड़े में थे, उसके बाद सवेरे चले, दिन भर चलते रहे, 26-27 मील के करीब चले। दिन भर के भूखे, रात को एक मुसाफिर खाने में जब अपना चादर बिछाकर सोने लगे तो दो बालक हमारे पास आए, सुंदर सुंदर। अब हुआ क्या कि थे तो भूखे पर करें भी तो क्या करें, तो आया है शास्त्रों में कि भाई जिस दिन नहीं मिले उस दिन एकादशी मान के सो जाओ। तो सो गए, जब सोने लगे, सो गए नहीं, जब चादर बिछाकर सोने लगे तो दो बालक हमारे पास आए, सुंदर सुंदर, गोरे गोरे, स्वच्छ, जैसे कोई स्वर्ग से उतरे। अपने मन में उस समय कोई अलौकिक भाव नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं, पूरी दिन की यात्रा से दोनों थके हुए थे, अब इन बालकों को देख कर कि, है ना, वर्णन तो कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं था कि उसी समय कोई भाव बना हो कि अरे ठाकुर जी आ गए, ऐसा कुछ नहीं, अलौकिक भाव कोई नहीं हुआ। बालकों ने पूछा कुछ खाओगे, महर्षि ने बताया
चक्र जी ने बताया कि हाँ भाई भूखे तो हैं, तो दोनों बालक गए और खोआ ले आए। रात को 11 बजे खिलाया। पूछा महाराज ने, आप लोग कहाँ रहते हैं, है ना? तो बोले हम यहीं रहते हैं। यहाँ थोड़ा संक्षेप करना पड़ा क्योंकि दो पृष्ठों का एक पृष्ठ किया है ना, तो महर्षि ने वर्णन किया है कि सुंदर सुंदर गोरे गोरे स्वच्छ, अपने मन में उस समय कोई अप्राकृत यानी अलौकिक भाव नहीं हुआ। बोले कुछ खाओगे? तो अब हुआ क्या कि महर्षि ने जब पूछा कि हम यहीं कहाँ रहते हैं, तो बोले हम यहीं रहते हैं। तो खा के सो तो गए, पर अब वो याद आ रहा था कि भाई इतने अलौकिक बालक, उस समय तो कोई अलौकिक भाव नहीं आया, पर वो आना, उनका पूछना, खिलाना, और भूखे थे। तो दूसरे दिन हमने ढूंढ कर चारों तरफ तलाश कर ली। उस स्टेशन मास्टर के सिवाय वहाँ कोई रहने वाला नहीं, कोई बालक नहीं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसको अन्न धन की कमी कभी नहीं पड़ती है। कब भगवान किसको प्रेरणा करेंगे इसका पता नहीं लगता है। तो आज का ये पृष्ठ यहाँ पूरा होता है और इसके आगे की जो भूमिकाएं हैं, तो जिसको रुचि है तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि ये तो दूसरी अमृत वृष्टि है जिसमें ये सब होने लगता है, ये सब अनुभव। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यानी जब भक्ति की पराकाष्ठा पे भक्त पहुंचता है तो उसकी क्या स्थिति बनती है, वो इस प्रकार से बड़ा क्रम से और बड़ा अद्भुत चित्रण, और वो भी महर्षि ने जो प्रवचन किए हैं, मतलब उनका तो मूल ग्रंथ संस्कृत में है, तो उसमें जो प्रवचन किए हैं और उसका जो भाव सरल करके समझाया है वो बहुत ही गजब का है। नारायण 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 नारायण, श्री राम जय।